प्यारे बच्चों नमस्कार। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज अपने भारत की जनसंख्या संरचना जो अपना लेसन चल रहा था अध्याय दो, उसमें अंतिम टॉपिक है अपना प्रजातीय नृतात्वीय संगठन। तो पहले अपने समझेंगे प्रजाति का अर्थ क्या होता है। तो अपने भारत की जनसंख्या संरचना को समझ रहे थे, उसका अंतिम टॉपिक है। तो इसमें जो प्रजाति है उसका अर्थ क्या होता है। प्रजाति किसी भी मनुष्य या प्राणी, भारत में कोई भी मनुष्य या प्राणी, उनके जो धरातलीय या भौगोलिक जो विशेषताएं होती हैं, कुछ विशिष्ट विशेषताओं वाले जो लोग होते हैं, मनुष्य हैं, प्राणी हैं, जो इस धरातल पर पाए जाते हैं, भारत के धरातल पर, वो क्या होती हैं? प्रजाति। अब ये प्रजातियां भारत के अंदर कहां से आई और वर्तमान में ये किन किन क्षेत्रों में रह रही है, तो इसकी जानकारी हमारे जो भूवैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने हमें दी। तो पहले उन भूवैज्ञानिक जो हमारे भूगोलवेत्ता हैं, जिन्होंने इसका प्रजातियों का अध्ययन किया, वो कौन कौन से जो भूगोलवेत्ता हैं, भूवैज्ञानिक हैं, उनमें पहला नाम आता है प्रोफेसर पंचानन मित्रा। प्रोफेसर पंचानन मित्रा के अनुसार ये दो जनजातियां मानते हैं भारत की, कहते हैं कि ये मूल निवासी है भारत प्रदेश के। तो इनमें ये निग्रोइड जो जनजाति है, एक तो इसका जिक्र करते हैं, एक ऑस्ट्रेलाइट जो प्रजाति है। ये दो प्रजातियों का जिक्र कौन करते हैं? प्रोफेसर पंचानन मित्रा करते हैं। कहते हैं ये मूल प्रदेश इनका क्या है? भारत है। इसके बाद में B.S. गुआ, इन्होंने 1944 के अंदर जो भारत के अंदर प्रजातियां पाई जाती है उनको 6 वर्गों में बांटा, 6 प्रकार की, 6 वर्ग अलग अलग वर्गों में बांटकर इनका वर्गीकरण किया। तो ये कौन थे? B.S. गुआ, ये भारतीय जो पुरातात्विक विभाग है उसके निदेशक थे। तो इन्होंने क्या है, इन प्रजातियों को 6 भागों में बांटा। इसके अलावा अन्य भी थे, अन्य के अंदर जैसे रिजले हैं, प्रोफेसर हेडन है, मजूमदार है, हर्बर्ट है, ये अन्य भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भी क्या है, जो प्रजाति है उनका अध्ययन किया, उन प्रजातियों के जो आंकड़े थे वो प्रस्तुत किए। तो अपने B.S. गुहा का जो वर्गीकरण है 1944 में दिया, B.S. गुहा ने जो वर्गीकरण किया प्रजातियों का, वो कब किया? 1944 के अंदर किया। तो इसके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है, 6 जो प्रजाति है भारत की, उन प्रजातियों के बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो B.S. गुहा ने पहली जो प्रजाति बताई वो थी निग्रिटो प्रजाति। कौन सी थी? निग्रिटो प्रजाति, कहते हैं मूल आदिवासी भारत के, जो मूल आदिवासी थे वो क्या कहलाए? निग्रिटो। लेकिन इनका आगमन कहां से माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप से। कहां से? अफ्रीका से माना जाता है। कि ये लोग कहां से चलकर आए भारत में? अफ्रीका से आए। वर्तमान में भारत के अंदर किन क्षेत्रों में रह रहे हैं ये लोग? वर्तमान के अंदर ये दक्षिण प्रायद्वीपीय भूभाग या जंगलों में, जो भारत के अंदर जंगल है, ठीक है, तो उन जंगलों में या जो दक्षिण भारत का ये जो दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, तो इन क्षेत्रों में ये लोग हैं जो देखने को मिलते हैं। कौन से? निग्रिटो प्रजाति के लोग। अब इनकी पहचान के लिए इनकी जो शारीरिक बनावट होती है, शारीरिक जो संरचना होती है इन लोगों की, वो कैसी होती है? छोटा कद होता है इन लोगों का, जो निग्रिटो प्रजाति के लोग हैं, छोटा कद होता है, सिर छोटा होता है, ललाट, ठीक है, ललाट इनका उभरा हुआ होता है, बाल सुंदर होते हैं, चेहरा छोटा होता है और नाक चपटी व चौड़ी होती है। ये इनकी क्या है? शारीरिक पहचान होती है। अब वर्तमान में ये भारत के उत्तरी भागों में और भारत के पूर्वी भागों में देखने को मिलते हैं, जहाँ इनकी
इनके ही वंशज माने जाते हैं, जैसे आगामी जनजाति है, नागा जनजाति है, और झारखंड राज्य के अंदर एक जो बाडगिस जनजाति है, इनका संबंध क्या है इस निग्रिटो प्रजाति से। कौन सी? ये जो बाडगिस हैं, ये आगामी हैं, इनका संबंध किससे है? निग्रिटो प्रजाति से ही माना जाता है। यानी निग्रिटो प्रजाति है भारत के अंदर मूल आदिवासी इन्हें कहा जाता है, और इनका जो आगमन है भारत में कहाँ से माना जाता है? अफ्रीका से माना जाता है। वर्तमान में ये भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय भूभाग या जंगलों में देखने को मिलते हैं। शारीरिक बनावट में इनके छोटा कद होता है, सिर छोटा ललाट उभरा हुआ होता है, बाल सुंदर होते हैं, चेहरा इनका छोटा होता है, नाक चपटी और चौड़ी होती है। उत्तर पूर्वी भारत के अंदर आज भी ये देखने को मिलते हैं। कौन सी जनजाति? अंगामी जनजाति, नागा जनजाति, और झारखंड राज्य की बात करें तो वहाँ पे बाडगिस जनजाति, ये जो प्रजाति है ये इसी से संबंध है। कौन कौन सी? आगामी प्रजाति, नागा प्रजाति और बाडगिस प्रजाति का संबंध भी इसी से है। इसके बाद में अपने बात करते हैं, ये अपना हो गया पहला वर्गीकरण निग्रिटो प्रजाति। दूसरी जो प्रजाति है भारत में देखने को मिलती है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति। इस प्रजाति के जो मनुष्य हैं ये कहाँ से आए भारत के अंदर? इनका आगमन भूमध्य सागरीय प्रदेश में, आप ग्लोब देखते हो तो ग्लोब के अंदर ये जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, इस भूमध्य रेखा के जो आसपास के प्रदेश हैं वहाँ से ये क्या है भारत के अंदर आए। वर्तमान में ये भारत के अंदर, भारत का जो मध्य भाग है और दक्षिण भाग है, ये वाला भाग मध्य वाला भाग और ये दक्षिण वाला भाग, तो मध्य एवं दक्षिण पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है ये लोग वर्तमान में हमें देखने को मिलते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति के जो लोग हैं। इनका शरीर कैसा होता है, इनकी शारीरिक बनावट कैसी होती है? बाल इनके घुंघराले होते हैं। इनकी पहचान के लिए बाल इनके कैसे होते हैं? घुंघराले होते हैं, होंठ मुड़े हुए होते हैं, नाटा कद होता है, गहरा भूरा रंग होता है। अब वर्तमान में जो इससे संबंध है वो प्रजातियां कौन कौन सी है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजातियां कौन कौन सी है, जैसे मलयालम प्रजाति, मुंडा, संथाल, ठीक है, कोल, भील वंश, ठीक है, ये इनके ही वंशज हैं। ये जो जनजातियां हमने कोल, भील, मुंडा, संथाल, ठीक है, तो ये सारी जो जनजातियां हैं, ठीक है, प्रजातियां हैं, तो इनका संबंध किससे है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट से। बताया है किसने? बी.एस. गुहा ने। तो प्यारे बच्चों, दूसरा जो वर्गीकरण हुआ वो कौन सा हुआ? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति। इस प्रजाति के जो लोग हैं उनका आगमन कहाँ से हुआ है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों से ये लोग भारत के अंदर आए हैं। वर्तमान में ये कहाँ रह रहे हैं? मध्य भारत में, ठीक है, भारत का जो मध्य भाग है, भूभाग है, वहाँ पे देखने को मिलते हैं, और दक्षिण के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, दक्षिण में जो पहाड़ियाँ हैं भारत के अंदर, उन क्षेत्रों में ये लोग आज भी देखने को मिलते हैं। शरीर कैसा होता है? बाल घुंघराले होते हैं, होंठ मुड़े होते हैं, नाटा कद होता है, गहरा भूरा लाल रंग होता है। अब इसकी ये और कौन कौन सी प्रजातियाँ जिनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से है, वो जनजातियाँ हैं मलयालम, मुंडा, संथाल, कोल, भील, ठीक है, ये इसी इन्हीं के ही वंशज माने जाते हैं। इसके बाद बी.एस. गुहा ने तीसरा जो प्रजाति के बारे में बताया, तीसरी प्रजाति कौन सी है? मंगोलाइड प्रजाति। कौन सी है बच्चों? तीसरी प्रजाति है मंगोलाइड प्रजाति। अब इस प्रजाति के जो मनुष्य हैं, प्राणी हैं, लोग हैं, भारत के अंदर कहाँ से आए? कहते हैं कि ये लोग जो चीन से चलकर और मंगोलिया से चलकर भारत आए थे। कहाँ से? चीन और मंगोलिया से चलकर ये भारत के अंदर पहुंचे। वर्तमान में ये भारत के अंदर किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, किन किन क्षेत्रों में रह रहे हैं? तो लद्दाख के अंदर, सिक्किम के अंदर, लाहौल, अरुणाचल प्रदेश, स्पीति, मणिपुर और मिजोरम, इन क्षेत्रों में ये वर्तमान के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इनकी शारीरिक बनावट कैसी होती है? मुँह चपटा होता है इन लोगों का, गाल की हड्डियां मुड़ी हुई होती है, आंखें बादाम की आकृति की जैसी होती है, बादाम की आकृति होती है ना, वैसी इनकी जो आंखें हैं वो दिखती है। अब ये जो जनजातियां हैं इसके उपविभाग हैं, कहते हैं पूर्व मंगोलाइट,
तिब्बती मंगोलाइड, दो भाग हैं इसके, दो उपविभाग हैं इस प्रजाति के, एक तो पूर्व मंगोलाइड जो पूर्व में है और एक तिब्बत मंगोलाइड प्रजाति जो तिब्बत से आए हैं, ठीक है, एक पूर्व के अंदर भारत के पूर्वी क्षेत्रों से जो आए हैं। मंगोलाइड प्रजाति का आगमन कहां से है? चीन से व मंगोलिया से। कहां से आई है ये लोग? चीन और मंगोलिया से। वर्तमान में ये लद्दाख, सिक्किम, लाहौल, अरुणाचल प्रदेश, स्पीति, मणिपुर, मिजोरम, इन क्षेत्रों में वर्तमान में ये निवास करें। शारीरिक बनावट इनकी कैसी है? मुंह चपटा है, गाल की हड्डियां मुड़ी है, आंखें बादाम की आकृति की है। इसके दो उपविभाग हैं, एक तो पूर्व मंगोलाइड और दूसरा कौन सा हुआ? तिब्बती मंगोलाइड। चलो इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रजाति है, जो बीएस गुहा ने बताया नेक्स्ट प्रजाति के बारे में, वो कौन सी है? वो है भूमध्य सागरीय प्रजाति। कौन सी है? भूमध्य सागरीय प्रजाति, यानी जो ग्लोब है अपना, भूमध्य जो सागरीय जो क्षेत्र है, ठीक है, तो उनके आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां से जो लोग आए, आगमन इनका भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से हुआ। वर्तमान में ये दक्षिण पश्चिम एशिया, एशिया महाद्वीप का जो दक्षिण पश्चिम भाग है, ठीक है, उन क्षेत्रों में ये लोग देखने को मिलते हैं। और इनको तीन उपसमूह है, पूर्व भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय और पूर्वी भूमध्य सागरीय, तो तीन इसके उपविभाग हैं इन प्रजातियों के। तो चौथा कौन सा है? भूमध्य सागरीय प्रजाति। आगमन इनका भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से हुआ है और वर्तमान में ये दक्षिण पश्चिम एशिया जो क्षेत्र है, एशिया महाद्वीप है ना, उसका दक्षिण पश्चिम जो भाग है उन क्षेत्रों में ये देखने को मिलते हैं। तीन समूह हैं इनके, एक तो पूर्व भूमध्य सागरीय, दूसरा भूमध्य सागरीय और तीसरा है पूर्वी भूमध्य सागरीय, तीन इसके समूह हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपने जो पांचवी प्रजाति के बारे में चर्चा की बीएस गुहा ने, तो वो कौन सी है? पांचवी जो प्रजाति है अपनी, वो है पश्चिमी प्रजाति। तो इसका आगमन कहां से हुआ? पश्चिम से माना जाता है। भारत का जो पश्चिम इलाका है, पश्चिम जो क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र की बात करें तो वो पश्चिमी प्रजाति नाम दिया इसको। पश्चिम प्रजाति में पश्चिम से जो लोग आकर, ठीक है, जैसे पश्चिम के अंदर गुजरात है, ठीक है, तो ये गुजरात के अंदर वहां पे रहने लगे, तो ये पश्चिम क्षेत्रों से आए, भारत के पश्चिम क्षेत्र में जो देश पड़ते हैं उन क्षेत्रों से ये लोग आए हुए हैं, तो वो उनको पश्चिम प्रजाति नाम दे दिया। तो वर्तमान गुजरात में ये निवास कर रहे हैं और पश्चिम से इनका आगमन हुआ है। इसके तीन समूह, तीन एल्पिनोइड, एल्पिनोइड जो प्रजाति है वो गुजरात में देखने को मिलती है। एल्पिनोइड कहाँ है? गुजरात के अंदर। डिनारक प्रजाति है वो पश्चिम बंगाल के अंदर है, और आर्मिनोइड जो महाराष्ट्र में देखने में। ये तीनों जो प्रजातियां, इनका संबंध किससे है? पश्चिम प्रजाति से, ठीक है, ये पश्चिम से आए हुए लोग हैं जो वर्तमान में भारत के अंदर कहाँ है? गुजरात में। एल्पिनोइड जो प्रजाति है वो कहाँ है? गुजरात के अंदर है। डिनारक जो प्रजाति है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। आर्मिनोइड जो जनजाति है वो महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलती है। अब चर्चा करते हैं इसके बाद में जो अंतिम जो प्रजाति है वो है नार्डिक। कौन सी है बच्चों? नार्डिक। नार्डिक के बारे में ये उल्लेख दिया है भूगोलवेताओं ने कि ये जो लोग हैं उत्तर पश्चिम के अंदर, भारत के अंदर जो उत्तर और पश्चिम, ठीक है, उत्तर और जो पश्चिम, ये वाला भाग उत्तर और पश्चिम, ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में क्या है? ये जनजाति है जो भारत के अंदर देखने को मिलती है, नार्डिक। तो बीएस गुहा ने क्या है 1944 के अंदर प्रजातियों का 6 वर्गों के अंदर वर्गीकरण किया। वो 6 वर्ग कौन कौन से, उनके बारे में, उनका विस्तार पूर्वक हमने अध्ययन किया, उनके बारे में जाना। तो वो 6 वर्ग थे, ठीक है, उसमें अपने जो निग्रिटो प्रजाति है उसके बारे में समझा, और दूसरी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, तीसरी मंगोलाइड, और उसके बाद चौथी भूमध्य सागरीय प्रजाति, और पांचवी पश्चिमी प्रजाति, और इसके बाद में नार्डिक प्रजाति का हमने विस्तार पूर्वक इनके बारे में हमने जाना। तो ये आपका जो भूगोल का, भूगोल सेकंड भाग का जो सेकंड लेसन था, ठीक है, उसका अंतिम टॉपिक था, ठीक है, प्रजाति। तो ये अपना पूरा होता है, इसी के साथ जो सेकंड अध्याय है अपना कंप्लीट होता है। नमस्कार।